वेलकम टू बाई माई अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और आप देख सकते हैं हम कहाँ गए हैं, सोच रहे होंगे आप लोग, लेकिन यहाँ कांचीपुरम का बस स्टैंड है तमिलनाडु का, देख सकते हो। इधर दिखाते हैं और ये देख रहे शौचालय है, यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं 5 रुपया दे करके। कुछ गाड़ी इधर भी खड़ी हुई है, देख सकते हैं यहाँ। और इधर साइड में, इससे बैक साइड में और गाड़ी की लाइन लगी हुई है। यहाँ से तमिलनाडु का पूरा बस मिलेगा हम लोग को। फटाफट चलते हैं, दिखाते हैं आप लोग को यहाँ का नज़ारा। कुछ होगा यहाँ से आप घूम सकते हैं, उसे कर सकते हैं। एयरपोर्ट जैसा नज़ारा देखने को मिलेगा, एयरपोर्ट नहीं है यहाँ पर, बस को खड़ी किया जाता है। यहाँ जिसका नंबर आता है वो कर देता है यहाँ पर। आगे चलते हैं, और भी है बस, सब आते हैं वापस, देख सकते हैं पीछे ये बस। क्या करें, बस स्टैंड गया हुआ है। बात तो यह है कि दोस्तों मैं इधर अपना इंडेक्स ख़राब हो गया था, तो ये बस स्टैंड साइड में इंडेक्स बनाने का इंडेक्स सर्विस सेंटर है, तो वहीं आया हुआ था। तो मैं सोचा कि आप लोगों को बस स्टैंड भी दिखाया जाए। देख सकते हैं पीछे पूरा बस की लाइन लगी हुई है। चलते हैं, अब इंडेक्स बना के तैयार हुआ है नहीं हुआ है, फटाफट यहाँ से चलते हैं। पुलिस भी जाना होता है, देख सकते हैं इधर चलते हैं फटाफट। इधर दुकान ही दुकान है, देख सकते हैं बस लोग लेफ्ट लगते हैं, ये बहुत दूर है यहाँ से, चलते जाना है बस। फिर कुछ दूर के बाद फिर राइट लेना है, देख सकते हो दुकान पीछे तरफ पूरा। बहुत गाली में घुसना होगा, उसके बाद आप लोग को मिलेगा इंडेक्स का सर्विस सेंटर। ले लेंगे सरकारी स्कूल, देख सकते हैं इस रोड से चलते हैं। पहुँचने वाले हैं दोस्तों, देख सकते हैं इधर यहाँ की कचरी ई बाइक्स देखने को मिलेगा सर, जस्ट बगल में है, देख सकते हो। सर्विस करा सकते हैं, चलते हैं फटाफट, देखते हैं बनाया के लिए। बन के रेडी हो गया, देख सकते हो इंडेक्स। स्टॉप सर्विस सेंटर नेम भैया गणपति सर, गणपति गणपति सर। हाँ, अब लोग अगर आना चाहते हैं तो स्टिक गणपति सर्विस सेंटर में आ सकते हैं। यहाँ इंडेक्स और फैन वगैरह सब बनता है, देख सकते हो हम लोग का इंडेक्स बन चुका है। ये रहा हो गया, देख सकते हो 300 रुपये का बिल बन गया है। आप देखते हैं, बारिश भी पूरा हो रही है, बारिश रुकेगी तब यहाँ से जाएंगे फटाफट। थोड़ा बारिश हो रही है, देख सकते हो गैस घर का माहौल इस तरह का है। मैं एक्सेल से आया था, चलते हैं, थोड़ा बारिश भी रुक गई है। पूरा मार्केट पहुँच गया, देख सकते हैं यहाँ बड़ा मॉल है और इस साइड भी है, देख सकते हो जैसे नज़ारा यहाँ का। चलते हैं अब यहाँ से, मेरा रूम तक 5 किलोमीटर की दूरी है, देख सकते हो मेरे पीछे ये मॉल। एक तरफ में लड़कों का है, एक तरफ लड़कियों का है। चलो गैस मिलते हैं, चलिए गैस अपना रूम पहुँच चुके हैं, अब ट्राई करते हैं, देखते हैं चलता है नहीं चलता है। पानी डाल करके फटाफट अपना रूम पहुँचते हैं और ट्राई करते हैं, पानी फर्स्ट में गर्म करते हैं। देखते हो गैस बन के रेडी हो गया और गर्म भी हो रहा है, पानी ऑन भी है, ये ऑन नहीं हो रहा था पहले। लोग देख सकते हैं बन के रेडी हो गया, अब सब्जी सब बनाना, चिकन मटन सब जो भी लोग सोया हुआ है, देख सकते हो बारिश है इसीलिए। और ताता भी उधर है, गमछा से नहीं दिख रहा है हल्का, हाँ वो साइड है। इस तरह का है हम लोग का रूम, एकदम कबाड़ी है, देख सकते पूरा इधर सुखाए पानी की वजह से, अंदर में सुखा रहे हैं कपड़ा सबको भी। बेड में बैठ चुका हूँ, गर्म होता है, उसके बाद थोड़ा सर्दी भी पकड़ लिया है हमको, तो गर्म पानी बहुत ज़रूरत हो रहा था, इसलिए हम
हम तुरंत अपना इंडेक्स बनाने के लिए रेडी हो गए। तो बना भी लिए हैं, देख सकते हो गैस अभी गर्म हो रहा है इधर। तो बहुत बुरा हुआ, जब मैं कांचीपुरम बस स्टैंड गया था ना, उस टाइम अर्धनारी ने हमको पकड़ा। ठीक है भाई, पैसा मांग रहे थे तो, बट हमको क्या मूड हुआ ना, आज पैसा देने का मन नहीं किया तो ना हमको ऐसे सिर में पकड़ी बाल में। तो मैंने उसको नज़रअंदाज किया कि ऐसा ना करें बोल के मैंने इसे बोला। फिर जाने की कोशिश कर रहा था तो वो छेक रही थी इधर उधर से, इधर उधर हो रही है समझे। तो हमको गुस्सा आया ना, तो हम डर चल रहे थे तो पीछे तरफ में हमको यहाँ पर मारी थी। बहुत गुस्सा लगता है भाई लोग, देखो यार अर्धनारी ऐसा ज़बरदस्त करेगी तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग का स्टेट में रहता ना, ऐसा होता ना तो देख लेते। इन लोग को फ्रीडम मिल गया तो मतलब वो लोग कुछ भी करेंगे, ऐसा करता है। बहुत गुस्सा लगता है पर क्या करें यार, इधर का लैंग्वेज भी तमिल है और ना भाषा समझोगे ना क्या करोगे। अगर कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन भी जाओगे तो वहाँ वही लोग का पावर है, साला समझ में नहीं आता। एक तो भाषा ही दिमाग ख़राब हो जाता है। चलो दोस्त लोग, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता है ये बोलो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करना ना भूले। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर भाई लोग।